ये भीगी सी रातों में अब चैन कहाँ है, बस तुझको भीगी भीगी रातों में जागे जागे रहते हैं। तो गाइस आज का जो टेम्पल्ड है देख लीजिए आप लोग खुद ही कि इस पे देखिए बीट का हिसाब से जो इमेज है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपका खुद का इमेज या तो फिर किसी भाई किसी का भी इमेज लगा कर बीट का हिसाब से गाना का जो बीट होता है बीट का हिसाब से इमेज चेंज करके स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं इसी टाइप का और स्टेटस वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं मेरे चैनल का थ्रू तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल का आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। पहले बता दूँ कि इस तरह स्टेटस वीडियो बनाने के लिए तो एक ऐप की जरूरत होगी जिसका नाम है एपी प्लेयर। एपी प्लेयर प्रो वर्जन का डाउनलोड लिंक आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद एकदम टॉप पे आपको प्रो वर्जन का लिंक मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद देखिए इधर ऊपर में बॉक्स की तरह आइकन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद नीचे लोड फॉर्म फाइल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इधर आपको टेम्पलेट को सिलेक्ट करना होगा। तो फाइल मैनेजर पर जाना है, फाइल मैनेजर पे आपको जाना होगा। जाने के बाद जिस फोल्डर पे टेम्पलेट डाउनलोड हुआ है उस फोल्डर को ओपन करके टेम्पलेट को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद देखिए एकदम लास्ट में जो बॉक्स रहेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए बैकग्राउंड पे कुछ इस तरह आ जाएगा। तो सबसे ऊपर में देखिए पेंसिल का आइकन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए ऑडियो प्रोपर्टर का नीचे एक इमेज ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद राइट साइड में इमेज पे क्लिक कीजिए। उसके बाद कस्टमाइज पे क्लिक करना होगा। उसके बाद पीक इमेज पे क्लिक करके इधर आपको इमेज को ऐड करना होगा। तो मेरे पास एक इमेज है तो मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ। ऐड करने के बाद देखिए इधर इमेज आ गया है लेकिन इसमें एक ब्लैक इफेक्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इधर कलर की ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए और ये दो टिक है ऊपर वाला टिक को आपको हटा देना है। उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए, क्लोज करके बैक आ जाना है। उसके बाद देखिए इधर लिखा रहेगा इमेज एक है ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ लिखा रहेगा छोटा करके टेक्स्ट पीएनजी, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद राइट से में ब्लर पे क्लिक कीजिए और जो टिक है इसको आपको हटा देना है। उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए, क्लोज करके बैक आ जाना है। उसके बाद ब्लर इफेक्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद राइट साइड में जनरल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो बॉक्स है इस पर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद इसको क्लोज करके बैक आ जाना है। उसका नीचे देखिए एक इमेज ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद राइट साइड में एकदम नीचे जनरेटेड एल्बम आर्ट पर क्लिक कीजिए और जो तीन नंबर पर टिक है उसको आपको हटा देना है। उसके बाद इसको क्लोज करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए इधर कॉम्पोजिशन वन का नीचे एक इमेज ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद सेम वही प्रोसेस राइट साइड में इमेज पे क्लिक कीजिए, कास्ट इमेज पे क्लिक करना होगा। उसके बाद पीक इमेज पे क्लिक करने के बाद इधर आपको दूसरा जो इमेज है उसको आपको ऐड कर लेना है, ओके। दूसरा इमेज ऐड करने के बाद इसको क्लोज करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए इधर कलर की ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए और ऊपर वाला जो टिक है उसको आपको हटा देना है। उसके बाद क्लोज करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए लास्ट में एक टेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद राइट साइड में अपीयरेंस पे क्लिक करके आप मेरा चैनल का नाम चेंज करके आपका खुद का चैनल का नाम दे दीजिए, ओके। तो अभी देखिए वीडियो में करके आप लोग को थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, देखिए इधर इमेज चेंज हो रहा है, ओके। तो इस वीडियो पर गाना ऐड करने के लिए देखिए लेफ्ट साइड में थ्री लाइन ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद लाइब्रेरी पर जाना होगा। लाइब्रेरी पर जाने के बाद इधर गानों को ऐड करना होगा। गाना ऐड करने के बाद फिर से आपको थ्री लाइन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इधर आपको विजुअलाइजर पे जाना होगा। उसके बाद देखिए राइट साइड में ऊपर में एक एरो का आइकन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद इधर आपको छोटा सा एक सेटिंग करना है। इधर देखिए लिखा है वीडियो विथ, इधर लिखा है वीडियो हाइट। तो वीडियो विथ की जगह में लिख दीजिए 1080 और वीडियो हाइट की जगह में लिख दीजिए 1350। ये लिखने के बाद नीचे आके इधर आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, ओके। तो गाइस उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह और स्टेटस वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए आज के लिए सीखते हैं, तब तक ले जय हिंद।